नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में सत्र 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया है। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीद थी और इस बजट में काफी बड़े ऐसे ऐलान भी किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश करके इतिहास रच दिया। यह बजट रोजगार, शिक्षा, किसान, इंडस्ट्रियल ट्रेंड और खासकर इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष सौगातें दी गई। मोदी सरकार के कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट था। इस बजट में क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं और इसके मायने क्या है, किन सेक्टर में क्या क्या दिया गया है और आम आदमी के लिए यह बजट संतोषजनक है या नहीं, खासकर बिहार और आंध्र प्रदेश जिसके गठबंधन से NDA सरकार चल रही है, आखिर उसे क्या मिला, बारी बारी से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस नए टैक्स रेजिम से टैक्स स्लैब में कई बदलाव किए गए हैं। 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो कि पहले 2.5 लाख हुआ करता था। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 12%, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि न्यू टैक्स रिजिम के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 50,000 से 75,000 रुपए कर दिया गया है। पेंशन पर डिडक्शन अब 25,000 रुपए तक होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा है कि अगले 6 महीनों में टैक्स विवादों को खत्म किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि टैक्स संबंधित विवाद को निपटारा टाइम पे हो जाएगा। किसानों के लिए 32 फसलों की 109 किस्में तैयार की गई है और क्लस्टर स्कीम के तहत खरीफ फसलों को डिजिटल सर्वे किया जाएगा। नेचुरल फार्मिंग से 1 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री अन्न योजना को बढ़ावा दिया गया है। सरकार की मुफ्त राशन स्कीम भी अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगी, जिससे लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। रोजगार और कौशल विकास पर सरकार की विशेष ध्यान है, इसके लिए 5 नई योजनाएं शुरू की गई है। शिक्षा और रोजगार के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नए रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। पिछले 54 सालों में 4.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। सरकार ने नए कामगारों को 1 महीने के लिए भत्ता वेतन देने की योजना बनाई है। पहली नौकरी पाने वालों को पहली सैलरी का फायदा मिलेगा, जिससे सरकार पहली सैलरी देगी। EPFO में रजिस्टर होने पर 50,000 रुपए का इंसेंटिव और 1 लाख रुपए की सैलरी पर 3,000 रुपए का PF मिलेगा। सरकार ने उच्च शिक्षा पर भी जोर दिया है। उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट को 10 लाख तक का लोन मिलेगा और अच्छी और रिसर्च वाली पढ़ाई पर फोकस रहेगा। छात्रों को सरकारी स्कीम का फायदा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में एंटरप्रेन्योरशिप की योजना भी बनाई गई है। निवेश के लिए इन्वेस्टर पार्क बनाया जाएगा और 500 टॉप कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी। रोजगार और स्किल पर फोकस किया गया है और रोजगार देने पर सरकार इंसेंटिव देगी। मजदूरों के लिए भी बजट में योजनाएं हैं। कुशल मजदूरों और कारीगरों के लिए पोर्टल बनेगा। MSME को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी की स्कीम और नए टर्म लोन का प्रावधान किया गया है। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार को तो विशेष राज्य का दर्जा देने से रहा, लेकिन नीतीश चाचा को खुश करने के लिए बिहार को विशेष पैकेज की घोषणा की है, जिसमें हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है और बिहार में नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। भागलपुर में पावर प्लांट और विश्वकर्मा योजना को भी बढ़ाया गया है। बिहार में गया और नालंदा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैन मंदिरों का विकास किया जाएगा। विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर का भी विकास होगा, जिससे बिहार के प्रति पर्यटक आकर्षित हो, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनाया जाएगा और बोध गया से राजगीर और गया से दरभंगा के लिए सड़क निर्माण योजना शुरू की जाएगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की मदद दी गई है और कई विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर आदिवासियों के लिए कौन सी योजनाएं हैं। आदिवासियों के लिए सरकार की योजना के तहत PM जन जागृति उन्नत ग्राम अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा होगा। सरकार ने ग्रीन एनर्जी पर भी ज्यादा ध्यान दिया है, जिससे कि भारत स्वच्छ हो और आत्मनिर्भर बन सके। PM सूर्य घर योजना के तहत 14 लाख आवेदन किए गए हैं और 1
करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी। सोलर एनर्जी से घर घर बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत 1 करोड़ नए घर दिए जाएंगे और प्रॉपर्टी की लागत कम करने पर फोकस किया गया है। छोटे शहरों के विकास के लिए सरकार ने घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि 14 बड़े शहरों को विकास किया जाएगा और 100 बड़े शहरों में साफ पानी की योजना लागू की जाएगी। अब बात करते हैं कि इस बजट में महिलाओं को क्या मिला। तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया है। महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे और शिशु गृह की स्थापना की जाएगी। अब बात करते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में क्या योगदान रहा इस बजट में। तो कैंसर के लिए 3 दवाएं पर कस्टम ड्यूटी फ्री होगी और एक्सरे मशीन के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट दी जाएगी। अब जानते हैं कि न्यू बजट पेश होने से कौन सी सामान सस्ती होगी। तो बता दें कि सोना और चांदी से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई गई है, जिससे सोना और चांदी सस्ता होगा। मोबाइल फोन, चार्जर, कपड़े और जूते भी सस्ते होंगे। सोलर सेल और पैनल का निर्माण सस्ता होगा और लिथियम बैटरी भी सस्ती होगी। अब बात करेंगे कि युवाओं के लिए या फिर बेरोजगारों के लिए इस बजट में क्या है। तो रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार के पास 5 योजनाएं हैं, जिससे युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा। कौशल विकास योजना के तहत केंद्र सरकार ने कहा है कि नौजवानों को अनगिनत अवसर मिलेंगे और मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा और स्किल को नया रूप देने पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार का फोकस युवाओं और किसानों पर है। कृषि के क्षेत्र में रिसर्च बढ़ाने और विकसित भारत बनाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट को समाज को शक्ति देने वाला बताया है। प्रधानमंत्री ने बिना गारंटी मुद्रा लोन की लिमिट 20 लाख रुपए तक करने की घोषणा की है, जिससे छोटे कारोबारी और पिछड़े वर्गों को फायदा होगा। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट की। तो बता दें कि जब संसद में बजट पेश किया जा रहा था तो अचानक से सेंसेक्स में भारी गिरावट देखी गई, जो 1100 अंकों के करीब लुढ़क गया और निफ्टी में भी 350 अंकों की गिरावट आई। तो दोस्तों, अब आपको भी मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि यह बजट कुछ खास तो नहीं, बट इसे हम कह सकते हैं कि काम चलाने वाले बजट। बाकी आपका इस बजट पर क्या कहना है, हमें कमेंट करें ताकि हमें भी पता चले कि आपकी क्या राय है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।